वो क्या है और उन सर्कमस्टांसिस में हम बेहतर तौर किस तरह से ऑपरेट वो कर सकते हैं फॉर फॉलो सबसे पहले देखिए कि देखिएवरिंग मैनर एंड रिजोर्टिंग टू जर्नलाइजेशन ये चीज हमें बहुत ज्यादा मदद देगी अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए कि जहां पर हम सिचुएशन के साथ अपने आप को डिटैच कर सकें हम इमोशनल कंट्रोल लेकर आ सकें और तब हम बेहतर तौर टैकल कर सकें उस चैलेंज को जो हमारा रिएक्शन टू सेल्फ इमेज वो क्रिएट हो रहा है द एस्पेक्ट इज दैट वी आर स्ट्राइकिंग बैक एट अदर डिफेंसिवली इस बारे में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगला शख्स किसी भी बारे के अंदर डिफेंसिव वो हो सकता है और डिफेंसिव होना उसका हक है वी हैव टू बी केयरफुल कि हम किसी भी वक्त उसके डिफेंसिस को वो चैलेंज वो ना करें

वो नहीं होगा अब हाउ कैन वी हैंडल थ्रेट्स टू योर सेल्फ इमेज देर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम्पल दी कैन बी अंडरस्टैंड योर सेल्फ इमेज बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर भी हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल जैसे जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनजर रखें और प्रैक्टिस करें अपने आप को मजीद इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के लिए इसी तरह

अपने आप को समझने से अपना सेल्फ एनालिसिस और कथार्स करने से अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने से और इस बात को अंडरस्टैंड करने से कि हर किसी के साथ कोई ना कोई इम परफेक्शन मौजूद हैं हम इस काबिल हो पाते हैं कि हमारा रद्द अमल वो पॉजिटिवली वो कार आमद हो हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि कहाँ पर कब कैसे क्यों हमें वो रिएक्ट करना है और हमारा वो रिएक्शन हमारे लिए मुस्बत आउटपुट वो क्रिएट करने का सबब वो बन सकता है और उसी से हम फिर अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन वो लेकर आ सकेंगे अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि हमारा सेल्फ इमेज जितना बेहतर होगा जितना पॉजिटिव हम अपने बारे में सोचेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर हमारा रिएक्शन होगा किसी भी सिचुएशन के अंदर बेहतरीन हालात किसी के लिए हर वक्त मुयसर नहीं होते ये आपका फैसला है कि आप वहां पर किस तरह से पॉजिटिव वो रह सकते हो थैंक यू